नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित तिवारी हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव पालम विहार। आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिसे ब्लड इन यूरिन बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेमेचूरिया इन मेडिकल टर्म्स। नाउ यूरिन में जब भी ब्लड आता है तो व्हाट डज अ पेशेंट डू, ही पैनिक्स। यूरिन में ब्लड आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी इवेल्यूएटेड। यूरिन में ब्लड आने का बहुत रीजंस हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन इज़ यूरिन इन्फेक्शन, उसके बाद आता है स्टोन्स, उसके बाद आता है कैंसर विच कैन बी एनी वेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और इवन प्रोस्टेट। और कुछ रेयर कॉजेज हैं, जैसे हमने कुछ दवाइयाँ ली हैं, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं जैसे बीट रूट वगैरह, उसके चलते यूरिन में ब्लैक कलर, रेड कलर आ सकता है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट कॉमन, यूरिन इन्फेक्शन और स्टोन, इन दोनों में जब भी ब्लड यूरिन में खून आता है तो इट यूजुअली कम्स विद पेन। आपको दर्द होगा, आपको जलन होगा, लेकिन अगर आपको ब्लड आने के बाद अगर पेन नहीं हो रहा है तो कैंसर हैज़ टू बी द प्रायोरिटी डायग्नोसिस, और एनी वन विथ एज मोर देन 50 हैज़ टू बी इवेल्यूएटेड थरली। यूरिन में ब्लीडिंग अगर ज़्यादा है तो आपको खून के कतरे आ सकते हैं, जैसे हम ब्लड क्लॉट्स बोलते हैं। यूरिन में ब्लड शुरू में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, या फिर पूरा यूरिन ही लाल आएगा। जैसा कि हम देखते हैं, ये आपकी किडनीज है, किडनी से ये ट्यूब जाती है यूरेटर, जो ब्लैडर तक में यूरिन पहुंचाती है। ये ब्लैडर के बाद ये यूरिथ्रा है, जहां से यूरिन ये बाहर जाता है। इसके जस्ट नीचे ये प्रोस्टेट होता है आदमियों में। नाउ अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड का सोर्स या तो यूरिथ्रा में हो सकता है, या तो ब्लैडर में हो सकता है, या तो इस ट्यूब यूरेटर में हो सकता है, या फिर किडनीज में हो सकता है। जो क्लॉट्स आते हैं उनके शेप के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। अगर ये राउंड राउंड क्लॉट्स हैं तो मोस्टली ब्लैडर में बने हैं, अगर ये लंबे लंबे आ रहे हैं तो इस ट्यूब में होते हुए आई है, तो ब्लीडिंग का सोर्स यूजुअली किडनीज है। नाउ अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है, अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है जिसके साथ जलन नहीं है, जिसके साथ पेन नहीं है, तो हमें कैंसर रूल आउट करना है। इस टॉक का बेसिक तात्पर्य, बेसिक इंटेंशन यही है कि वी नीड टू मेक यू अवेयर ऑफ कैंसर। कैंसर कहाँ होता है? कैंसर यूजुअली ब्लैडर में हो सकता है, कैंसर इस ट्यूब यूरेटर में हो सकता है, कैंसर किडनी में आ सकता है। किडनी में जो भी गांठ होती है, अगर ये पेल्विक कैलिसियल सिस्टम को इन्वेड कर रही है, तो इनवेरिएबली आपको ब्लड यूरिन में आएगा ही आएगा। चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक मतलब आपको आंखों से दिख जाएगा, या माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, जो आपको यूरिन इन्फेक्शन में RBCs दिखेंगे। इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड अर्ली, बिकॉज किडनी कैंसर ऐसी चीज़ है जो 60% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये रूटीन आपने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और रीज़न के लिए और पता चला किडनी में गांठ निकली है। अगर इस सीजन में है तो इसमें भी ब्लड आएगा। ब्लैडर में यूजुअली कैंसर होता है तो ब्लड आता ही है। ब्लैडर कैंसर यूजुअली उनमें होता है जो स्मोक करते हैं, या फिर बहुत सालों से स्मोक कर रहे हैं, या फिर दे आर टेकिंग टोबैको इन एनी फॉर्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। प्रोस्टेट की ब्लीडिंग यूजुअली नॉन कैंसरस होती है। जिन आदमियों में प्रोस्टेट की साइज बढ़ी रहती है उनमें भी माइक्रोस्कोपिक ब्लड आ सकता है, या फिर कैंसर में भी रेयरली ब्लड आता है। Point is, whenever there is blood in the urine, it has to be evaluated and you have to consult a specialist. It can't be ignored, whether it be painless, whether it be painful. Stones mein usually blood aa jata hai, isliye, but it has to be picked up at the right time. That's the most important thing. Thank you.